अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका खादिम मोहम्मद शुएब अख्तर बरकाती एक बार फिर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज मैं कुछ नए अंदाज़ की वीडियो लाया हूँ। आज हम लोग सीखते हैं नाज़ शरीफ पढ़ना। यानी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि शुएब भाई DD3 नाथ के लिए अच्छा रहेगा, DD7 नाथ के लिए अच्छा रहेगा, DD5 नाथ के लिए अच्छा रहेगा, या कौन सा ऐसा डीले है जो सबसे अच्छा हो। तो भाई हकीकत बताऊं तो डीले सब अच्छे हैं। नात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे। पढ़ने वाला इंसान अगर है तो वो DD3 में भी पढ़ेगा, DD7 में भी पढ़ लेगा, DD6 में भी पढ़ लेगा। मेरी बात समझ लेना, उस तरह से पढ़ेंगे। तो आइए आज सीखते हैं कि नाज़ शरीफ किस तरह से पढ़ते हैं। मैं बहुत बड़ा नाज़फा नहीं हूँ, सरकार की गली का छोटा सा गुलाम हूँ। बस एक खिदमत की नीयत से आपके बारगाह में हाजिर माजरत के साथ हाजिर हुआ हूँ। और बस जो मेरे पास टूटा फूटा इल्म है वो आपके साथ शेयर करने के लिए आपके साथ मिल बाट के मतलब आपके साथ शेयर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, बस कहते हैं ना कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार कहते हैं, बस यही हाल है अपना, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कदम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात है। तो नाज़ शरीफ कैसे पढ़ते हैं मैं आपको आज ये बताता हूँ। बहरहाल वीडियो लंबी नहीं करते, इंशाल्लाह इसके बाद भी और वीडियो भी डालूंगा। सबसे पहले हमें तो कुछ नातफा जैसे होते हैं, कुछ हमारे भाई होते हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो नात पढ़ते हैं जब खींचते हैं तो उनकी आवाज़ एकदम से फटने लगती है। ठीक है, जैसे कि सबसे औला वाला हमारा नबी नाज़ शरीफ पढ़ के देते हैं। ये दो अंदाज़ में पढ़ते हैं, जैसे कि पहले पाकिस्तानी अंदाज़ में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि सबसे औला वो वाला हमारा नबी, इस तरह से पढ़ते हैं। अब दूसरा जो इंडियन अंदाज़ में पढ़ते हैं खींचने वाला, ये तर्ज ले लेते हैं कि सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अब इसे जब खींचते हैं तो खींचने का तरीका ये है कि शुरुआत धीमे से करें, धीमे से करें, धीमे 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 चढ़ के यहाँ पर आना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप नहीं खींच पाएंगे। जैसे कि बताता हूँ यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे सबसे औला वाला हमारा नबी। अब आवाज़ रुकेगी, आवाज़ हमें ओवर निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से लेके चलते हैं तब देखिएगा, सबसे औला वाला हमारा नबी। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, इस तरह से। यानी इंडियन अंदाज में जो नात पढ़ते हैं उसमें खींचना ज़्यादा रहता है, और जो नॉर्मल अंदाज में पढ़ते हैं उसमें खींचना नहीं रहता। जो पाकिस्तानी अंदाज में पढ़ते हैं उसमें झूमने वाली नात होती है। तो खींचना इस तरह से है कि शुरुआत धीमे से करनी है। और मेरा तो कहना है सुबह उठ के प्रैक्टिस करें, जब सुबह शुरू करके उठे कुछ ना कुछ गुनगुनाए। और मेरे भाई मेरे दोस्त सैफ रज़ा कानपुरी साहब ने भी मुझसे बोला था कि नाज़ शरीफ की अगर प्रैक्टिस करना है तो सुबह सुबह उठ के कुछ गुनगुनाए। ठीक है, कुछ ना कुछ गुनगुनाए, कोई नाज़ शरीफ, कोई मतलब कौमी दराना, कुछ भी गुनगुनाए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो एक तरह से प्रैक्टिस ऐसे करें जब सुबह शुरू करके उठें, सुबह शुरू करके उठने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस ऐसे करें कि सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करें, इससे आवाज़ मोटी होगी। जैसे कि ऐसे नॉर्मल रोक देना, उसके बाद लहर में लेके चलना, जैसे आप लहर ले पाए उस तरह से चलना। अब इस तरह से हो गई, अब दूसरी तरह से करना, कैसे करना है ऐसे, आ
आ नहीं कहना है, सा सा निकालना है, जबान कहीं पर छुआ हुआ तो आ निकलेगा ऐसे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आवाज़ धीमे 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 खुलती चली जाएगी। जब आवाज़ खुल गई तो किसी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तब खींचने वाली, बिना खींचने वाली क्लासिकल कलाम, कोई भी कलाम हो आप पढ़ लो, ठीक है। तो शुरुआत जब करें नाज शरीफ की तो शुरुआत करें क्लासिकल कलाम से। क्लासिकल कलाम से आपकी आवाज़ मजबूत रहेगी और क्लासिकल कलाम में आपको खींचना भी नहीं रहेगा। क्लासिकल कलाम जैसे कि रोक लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ठीक है। एक क्लासिकल कलाम ये हो गया, या ए सबसे गुंबद वाले मजूर दुआ करना, ये हो गया। असल में मेरा ग्रुप चलता था व्हाट्सएप पे जिसका नाम था आइए नाच सीखते हैं, तो इसमें बहुत से लोग नाच सीखते थे, बहुत से लोगों ने सीखी, तो मैंने सोचा यूट्यूब के जरिए लोगों को बताऊं, जो मेरा इल्म है वो आप तक पहुँचेगा और आप अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे सवाब मिलेगा और अगर कुछ करके जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया याद रखेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में नाज शरीफ के क्लास के हवाले से ही लाऊंगा। और आप इसमें प्रैक्टिस करें और इसमें जो चीज़ अच्छी लगी हो और जो चीज़ ना अच्छी लगी हो दोनों चीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। और आप ज़रूर बताएं अगर अच्छी लगी होगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, पर पूरी उम्मीद नहीं है कि आपको पसंद आ जाना है क्योंकि पहली वीडियो ऐसी मैंने बनाई है। तो बताया करना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब आप इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।